हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं ज्योग्राफी से एक टॉपिक। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ज्योग्राफी से एक टॉपिक, हीट डोम और हीट वेव। तो ये होता क्या है, तो इसको समझने के लिए कुछ, चलिए इसमें लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत ही है कि जब लंबे समय तक किसी स्थान पे गर्म वायु स्थिर रहता है तब क्या होता है, उच्च दाब के कारण उस स्थान पे क्या है, एक गुंबदा आकार आकृति में वायु क्या है, ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि कोई बर्तन है, ठीक है, इस पे कोई ढक्कन इस तरह से होता है, एक तरह गुम्बद है। उसी प्रकार से मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पे जो है वायु इस तरह से ट्रैप हो जाती है गुम्बद आकार में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हीट डोम। अब ध्यान देना है कि जब तक वायु इसमें अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो सूर्य की रोशनी जब आएगा तो इसको और अधिक गर्म करेगा, ठीक है, ये और अधिक गर्म होते जाएगा, दिन प्रतिदिन ये गर्म होते जाएगा। तो इसका जो प्रभाव है फिलहाल पृथ्वी पे क्या रहता है, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रहता है। यानी हीट वेव का जब ये फॉर्मेशन हो जाता है तो पृथ्वी पर इसका जो असर है कुछ दिनों से कुछ हफ्ता तक होता है। दूसरी बात और है कि वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया है कि जहां कहीं भी उच्च दाब होगा वहां पे हवा क्या होता है, ट्रैप होता है, वो हीट डोम या हीट वेव हो या ना हो, ठीक है, यानी हीट डोम हो या ना हो, तो जहां भी उच्च दाब होगा वहां पे हवा क्या होगा, ट्रैप होगा, और वो हवा नीचे आएगा, सतह के पास आएगा तो वो और संकुचित हो जाएगा। तो जब हवा संकुचित हो जाता है तो उसकी ऊष्मा और बढ़ जाता है, यानी फैला फैला हुआ है तो उसमें तापमान तो है लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं होता। तो वही गर्म अणु जब सब एक जगह आ जाता है, संकुचित हो जाता है, तो वो और गर्म हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने यह भी आगाह किया है या चेतावनी दिया है कि अभी तो ये कुछ सप्ताह के लिए रहता है, कुछ दिनों के लिए रहता है, लेकिन इसकी सीमा यानी कि हमेशा के लिए भी बन सकता है। पृथ्वी की स्थिति ऐसा हो सकता है कि पूरी पृथ्वी पे हीट वेव हमेशा के लिए बना रह सकता है। तो हीट डोम और हीट वेव से संबंधित आज हमने टॉपिक देखा, तो कल हम देखेंगे कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है।